एशियन व्यू और अभी हम आए हैं टॉप फ्लोर पे। वाओ। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल मी एंड माय शैडो। तो जी हम प्रसाद आचक के चल पड़े हैं होटल की तरफ। ये देखो हमारा होटल गुरुद्वारा से 14 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है और इसके लिए हमने टैक्सी बुक की है बोल्ट ऐप से। BOLT बोल्ट ऐप यहाँ की सबसे सस्ती ऐप है जिसपे सबसे सस्ती टैक्सी मिलती है। 260 बाट में हमें ये टैक्सी मिली है। तो अभी जा रहे हैं हम होटल, करीब करीब 30 मिनट में हम होटल पहुंच जाएंगे। होटल पहुंच के मैं दिखाऊंगी हमारा फुकेट का होटल कैसा है। हमने 7 की होटल बुक किया है गोविबो ऐप से और ये होटल हमें बड़ा सस्ता मिला है गोविबो ऐप से। ये हमें 1000 पर रूम के हिसाब से, जैसे हमें 2 रूम लेने थे तो 2 रूम हमने 2000 में लिए हैं। अब देखते हैं कैसे हो रूम, दिखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा था और बाकी मैं आपको पहुँचते ही दिखाऊंगी। तो जी अभी हम पहुंच चुके हैं होटल और ये होटल में आपको ये तस्वीर थाईलैंड में हर जगह आपको दिखने के लिए मिलेगी। ये यहाँ का जो रॉयल परिवार है, तो जो क्वीन और किंग है उसकी तस्वीर ये है। और अभी अभी जैसे क्वीन का जन्मदिन इन्होंने मनाया था, तो ये आपको पूरे लगभग पूरे थाईलैंड में आपको ये तस्वीर देखने के लिए मिलेगी। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको दिखाया और वैसे भी ये यहाँ के आइडियल हैं, तो हर शॉपकीपर होटल हर जगह आपको ये फ़ोटो देखने के लिए मिलेगी। और अभी हम कर लेते हैं चेक इन। तो जी ये काफ़ी अच्छा होटल है और ये मेन एंट्रेंस है इसका। मेन एंट्रेंस में ये इन्होंने बड़ा सुंदर सा ये एक तरह से क्या फाउंटेन टाइप में ये शोपीस रखा हुआ है, बड़ा प्यारा लग रहा है। और होटल अंदर से भी काफ़ी अच्छा है और बहुत सस्ता होटल है। एक तरह से आप 1000 रुपीज़ में 5-स्टार फैसिलिटी आप यहाँ पर लोगे। मैं आपको दिखाती हूँ आगे ऊपर रूम वगैरह। तो जी जैसा कि मैंने आपको बोला था कि देखते हैं जाके कैसा होता है, मतलब कैसा मिलेगा हमारा होटल। तो अभी तक हम आउटलुक तक पहुँचे हैं, तो आउटलुक तो बड़ी प्यारी है। ये देखिए आउट व्यू। तो जी 1000 रुपीज़ में ये आपका बड़ा ज़बरदस्त होटल रहने वाला है। और ये होटल जो यहाँ का फुकेट का फेमस बीच है पैतोंग बीच, पैतोंग बीच के बिल्कुल ऊपर ये होटल है और यहाँ का मतलब टॉप फ्लोर जो है उस पर स्विमिंग पूल है। जो स्विमिंग पूल है और वहाँ बैठ के आप वो जो वहाँ का समुंदर का व्यू देखोगे ना, तो 1000 रुपीज़ तो आपके वही पूरे हो जाने हैं, मैं आपको गारंटी देती हूँ। और मैं आपको दिखाती हूँ आगे। रिसेप्शन, अभी ये होटल की बुकिंग दिखा के पासपोर्ट वगैरह दिखा के रूम की चाबी ले लेंगे इधर से। बहुत बेटर मेरे को लग गया ये, अकॉर्डिंग टू रेट एंड अकॉर्डिंग टू फैसिलिटी। अभी रूम देखते हैं जाके कितने बड़े हैं कैसे हैं। देखी हमारे पास इतनी बड़ी मछली, छोटी थी हाँ, इतनी छोटी मछली कैसी लगी आपको? इतनी सी कैसी लगी आपको? मैं देख के आई थी, हमारे पास इतनी बड़ी मछली है को। अभी मैं देख के आई मम्मी, कर दियो नो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आओ, चलते हैं। बाय बाय करो मछली से, फिर मिलेंगे आके। बाय मछली, मछली को बोलो बाय मछली। हम भी किसी से पीछे रहने वाले नहीं हैं। हाँ दबाओ 3 नंबर, हम भी उनके पीछे पीछे पहुंच जाएंगे। ना हमें रूम नंबर बताया है और हमें छोड़ के चले गए हैं ऊपर 3rd फ्लोर। वेयर आर दे? अच्छा कैसा लगा फिर? मेरी पसंद कैसी लगी आपको? ये मेरी चॉइस है। ये देखो जी, ये है हमारा रूम। और चलो लाइट ऑन करो। ये हमें रूम नंबर 301 मिला है। वाओ बहुत अच्छा रूम है जी।
बड़ा अच्छा रूम है, ये देखो। पानी 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 बटन। ये देखो ये एलईडी क्या क्या दिया हुआ है हमारे रूम में, पहले ये दिखाती हूँ मैं आपको क्या क्या दिया हुआ है। ये टिश्यू पेपर है, ये दो वाटर बोतल है, ये हॉट वाटर कैटल है, ये दो कप विद हैं विद प्लेट, और दो गिलास हैं पानी पीने के लिए, और ये देखो ये हैं दो टी लिप्टन ग्रीन टी, ये दो कॉफ़ी, दो शुगर पाउच, एंड ये क्या है, ये दो कॉफ़ी के और अलग से पाउच हैं, अलग से कॉफ़ी पाउच हैं, और इसमें ड्रायर नहीं दिया शायद, पता नहीं, देखते हैं। और ये है मिरर, ये सामान रखने के लिए पूरा स्लेब है, ये छोटा फ्रिज है, अभी दिखाते हैं बाथरूम भी, ये है छोटा फ्रिज, ये कबर्ड, हेयर ड्रायर है जी, ये रहा हेयर ड्रायर, ये कबर्ड के अंदर हेयर ड्रायर। थाईलैंड के होटल की एक खास बात है, यहाँ पे हर होटल के अंदर हर रूम में आपको हेयर ड्रायर और सेफ मिलेगी, ये सेफ रखी हुई इन्होंने, ये आपको हर जगह मिलेगी। वो सेफ इसलिए रखते हैं क्योंकि हाउस कीपिंग पीछे से आती है, आप जब जिस टाइम घूमने जा रखे होते हैं उस टाइम ये क्लीनिंग करके जाती है, और ये वो, और ये है जी, ये देखिए ये बाथरूम बिल्कुल नीट एंड क्लीन बाथरूम है, बहुत साफ सफाई है। और ये है बाहर आउटिंग एरिया, ये बाहर आउटिंग एरिया है, ये देखिए ये बालकनी, ये देखिए ये है आउटडोर सीन, ये देखिए, ये देखिए बहुत अच्छे से बेड इन्होंने डेकोरेट कर रखा था, तो बहुत अच्छा ये रूम मेरे को लगा है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा खुला डुला रूम था बिल्कुल, और सेफ्टी का भी कोई इश्यू नहीं था। वो जा रही दिखाने सरदार जी का रूम जो हमारे साथ आए हुए हैं, उनको ये रूम कैसा लगा। हेलो हेलो तो कैसा लगा सर आपको रूम? बहुत ही अच्छा, बहुत ही। आपके और हमारे रूम में कुछ चेंज है ना? नहीं शायद पर्दे चेंज है। नहीं हाँ हाँ पर्दे चेंज है। बहुत अच्छा रूम है, मेरी चॉइस। और उन वहाँ से आप दे पैसे में, कमरा भी कितना बड़ा है वहाँ से याद है पैसे में। हमने ना बैंकॉक रूम बुक किया था, वो किसी और ऐप से किया था, अब मेरे को नहीं पता मेरे हस्बैंड ने कौन सी ऐप से किया था, वो बड़ा कॉस्टली पड़ा था और बिल्कुल मतलब बकवास मेरे को वो होटल लगा, मेरे को उसकी वीडियो बनाने का भी मन नहीं किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो होटल है ये काफ़ी अच्छा है, इससे पहले मैंने गोवा बीबो से जो पटाया में होटल बुक कर रखा था वो भी काफ़ी अच्छा था, उसके भी मैंने आप वीडियो डाली हुई है, वो भी देखना आप। तो जो गोवा बीबो जिस होटल की श्योरिटी देती है मेरे ख्याल से वो बेस्ट है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ स्विमिंग पूल, ये जी होटल से व्यू, कितना ज़बरदस्त व्यू होटल से आ रहा है। और मैं अभी आपको दिखाने जा रही हूँ होटल में और क्या क्या है, देखिए थैंक यू। और अभी हम आए हैं टॉप फ्लोर पे, वाव वाव वाव, ये देखिए जी कितना अच्छा व्यू है स्विमिंग पूल से, और वो पीछे समुंदर दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा, देखिए कितना सुंदर व्यू यहाँ से आया हुआ है, और ऊपर से हल्की हल्की बारिश आ रही है, बड़ा जबरदस्त व्यू यहाँ से आ रहा है। हाँ जाओ।
एंजल के पूरे मजे हो रहे हैं। किचन भी दिया हुआ है इन्होंने ऊपर, और चार्जिंग पॉइंट ऊपर भी है, ये किचन है। अगर किसी को ड्रिंक वगैरह करनी है तो ये स्विमिंग पूल के साथ ही इन्होंने किचन, और ये बैठने के लिए स्पेशियंट जगह है। तो जी ये है यहाँ फिफ्थ फ्लोर के ऊपर स्विमिंग पूल, ये देखिए, ये सनसेट व्यू कितना सुंदर सनसेट व्यू आ रहा है स्विमिंग पूल से, और ये पीछे समुंदर, और ये हमारी स्विमर सारा। आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा होगा सही में हमने ये मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था, 1000 रुपये में हमने ये होटल बुक किया है। ये मेरे पास ना गोवा भी वो ऐप पे ऑफर आया हुआ था, क्योंकि मैंने फ्लाइट टिकट भी और अपने सारे होटल्स की टिकट गोवा भी वो से ही बुक की है, इसलिए गोवा भी वो ऐप वाले ऑफर देते रहते हैं। तो जी बहुत अच्छा ये होटल है, वैसे तो ये 3-स्टार रिजोर्ट की इसकी कैटेगरी आती है, लेकिन मतलब इसमें मेरे को तो 5-स्टार होटल से ये बिल्कुल भी कम नहीं लगा। इतना एंजॉय हमें यहाँ पर आ रहा है, बिल्कुल हमारा घूमने बाहर कहीं घूमने जाने का ही मन नहीं है। पहाड़ियों से घिरा हुआ है और समुन्द्र के किनारे ये होटल बहुत ही प्यारा है, और अगर आप भी सस्ते में 5-स्टार फैसिलिटी चाहते हैं तो ये होटल मछली बन जाए, मछली बनी ऐसे ऐसे मछली जैसे बनते हैं, एंजल मछली बन जा, वाओ एंजल मछली बन जा। बनने नहीं दे रहे पापा, बनने नहीं दे रहे। और ये है जी यहाँ पर नाइट व्यू, स्विमिंग पूल से जो नाइट व्यू आता है वो भी बहुत ही प्यारा आता है। तो जी कैसा लगा आपको ये होटल, आई होप आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और इतने सस्ते में इतना अच्छा होटल मेरे ख्याल से पूरा पुकेट शहर में नहीं होगा, थाईलैंड में मेरे ख्याल से कहीं नहीं होगा। होटल का एड्रेस मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, और आप इसे गोवा वीवो ऐप से बुक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। थैंक यू।